नमस्कार, मैं हूं शिवानी। नॉनस्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश की प्रमुख खबरें। मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे होने पर की प्रशंसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा कि स्वच्छ भारत मिशन इस सदी का सबसे बड़ा और सफल आंदोलन है। उन्होंने लोगों की भागीदारी की सराहना की और बताया कि 27 लाख कार्यक्रमों में 28 करोड़ से अधिक लोग शामिल हुए। मोदी ने गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता को बढ़ावा देने की अपील की। जयशंकर का स्पष्ट संदेश, टिप्पणी का अधिकार दोनों पक्षों को। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका के टॉप थिंक टैंक कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में किए गए सवाल के जवाब में कहा कि अमेरिकी नेताओं को भारत के लोकतंत्र पर टिप्पणी करने का अधिकार है, लेकिन मुझे भी आपकी टिप्पणी पर टिप्पणी करने का पूरा अधिकार है, तो इसलिए जब मैं ऐसा करूं तो बुरा मत मानना। उन्होंने यह भी कहा कि विदेशी हस्तक्षेप एक समान होता है, चाहे कोई भी करे। मारुति सुजुकी की बिक्री में गिरावट, एसयूवी की बढ़ती मांग का असर। मारुति सुजुकी की बिक्री सितंबर में गिरकर 60,480 यूनिट्स रही, जो पिछले साल की 68,551 यूनिट्स से 8,071 कम है। हैचबैक कारों की गिरती बिक्री का कारण ग्राहकों का एसयूवी की ओर रुख करना है। कंपनी को फेस्टिव सीजन में बिक्री में सुधार की उम्मीद है। सियाज की बिक्री भी गिरी है। गडकरी का सुझाव, सड़क पर थूकने वालों की छापे तस्वीरें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में कहा कि सड़क पर गुटखा थूकने वालों की तस्वीरें अखबार में छापनी चाहिए। उन्होंने विदेशी यात्रा के दौरान अच्छा व्यवहार करने की बात की और चॉकलेट के रैपर को घर पर फेंकने की आदत की अहमियत बताई। स्वच्छता भारत अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर पीएम मोदी ने भी सफाई के महत्व पर जोर दिया। गोविंदा के रिवॉल्वर साफ करते समय गलती से चली गोली। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा से जुहू पुलिस ने गोली कांड पर पूछताछ की। उन्होंने बताया कि रिवॉल्वर साफ करते समय गलती से गोली चली। घटना मंगलवार सुबह 4:45 हुई, जब गोविंदा कोलकाता जाने की तैयारी कर रहे थे। गोली उनके पैर में लगी, लेकिन डॉक्टर ने सफलतापूर्वक गोली निकाल दी। गोविंदा अब ठीक है। गूगल क्रोम में सुरक्षा खामियां, सर्ट इन ने यूजर्स को अपडेट करने की दी सलाह। गूगल क्रोम में सुरक्षा खामियों के चलते यूजर्स को साइबर अटैक का खतरा बढ़ गया है। भारत सरकार की सर्ट इन ने इस संबंध में अलर्ट जारी करते हुए तुरंत अपडेट करने की सलाह दी है। विशेषकर विंडोज, मैक और लिंक्स के पुराने वर्जन प्रभावित हैं। अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें और ऑटोमेटिक अपडेट सेटिंग चालू रखें। 56 साल पहले 1968 में विमान दुर्घटना में मारे गए भारतीय सेना के जवान थॉमस ट्रेरियन के अवशेष अब मिले हैं। उनका शव हिमाचल के रोहतांग दर्रे में बर्फ में अब तक दबा रहा। ट्रेरियन के परिवार को उनके अवशेष मिलने की सूचना मिली। परिवार ने दुख और राहत दोनों व्यक्त करते हुए कहा कि अब ट्रेरियन को अपने गाँव की मिट्टी नसीब होगी। भारत पाकिस्तान सीमा के पास बन रहा डीसा एयरफील्ड। भारत पाकिस्तान सीमा के नज़दीक नया डीसा एयरफील्ड बन रहा है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में किया था। बता दें कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने डीसा एयरबेस पर मौजूद रनवे का सर्वे किया। यह एयरबेस पाकिस्तान से 130 किलोमीटर दूर 4,519 एकड़ में फैला होगा और इसके निर्माण पर 1,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा होगा और यह गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र की सुरक्षा को मजबूत करेगा। इजराइल ईरान तनाव, भारत ने नागरिकों के लिए जारी की यात्रा एडवाइजरी। इसराइल में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा एडवाइजरी जारी की है, जिसमें ईरान की यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ईरान में रहने वाले भारतीय नागरिकों को दूतावास से संपर्क बनाए रखने का आग्रह किया है। एयर इंडिया भी अपने रूट्स को बदलने और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स पर अतिरिक्त सावधानी बरतने की तैयारी कर रही है। बुमराह ने अश्विन से छीनी नंबर वन की कुर्सी। भारत और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2-0 से जीत हासिल की। हाल ही में आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने पहले स्थान पर कब्जा कर लिया, जबकि आर अश्विन दूसरे स्थान पर खिसक गए। बुमराह ने कानपुर में 6 विकेट लेकर टॉप स्थान हासिल किया है, जबकि अश्विन ने 5 विकेट लिए। दिल्ली होमगार्ड भर्ती 2024 एडमिट कार्ड जारी।
दिल्ली होमगार्ड महानिदेशालय ने भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार homeguard.delhi.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 6 अक्टूबर को होगी। चयन प्रक्रिया में PET, PMT, CBT और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल है। सभी आवश्यक विवरण अपने एडमिट कार्ड पर जरूर चेक करें। पाकिस्तान में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA की तैनाती जल्द होने जा रही है, क्योंकि चीन को चिंता है कि पाकिस्तान चीनी नागरिकों की सुरक्षा में असमर्थ है। समझौते के तहत चीनी नागरिकों को बख्तरबंद वाहनों से सुरक्षित परिवहन किया जाएगा। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA के हमलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है, जिससे पाकिस्तान को चीन के दबाव में झुकना पड़ा। UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने भारत में डिजिटल पेमेंट में क्रांति ला दी है। सितंबर में UPI के जरिए 20.64 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, जो 31% अधिक है। लेन देन की संख्या 15.04 अरब तक पहुंच गई। अन्य डिजिटल भुगतान विधियों जैसे AEPS और IMPS में भी वृद्धि देखी गई है। गांधी जी का क्रिकेट प्रेम। आज पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती को अलग अलग तरीकों से सेलिब्रेट कर रहा है। इस बीच आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वे क्रिकेट के बड़े प्रशंसक थे। कौशिक बंदोपाध्याय की किताब महात्मा ऑन द पिच में उनके क्रिकेट प्रेम का जिक्र है। बचपन के दोस्त रतिलाल मेहता ने बताया कि गांधी जी न केवल क्रिकेट देखते थे बल्कि खुद भी खेलते थे। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने BSNL के 25वें स्थापना दिवस पर घोषणा की कि जून 2025 तक देश में 1 लाख नए टावर लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि डिजिटल इंडिया के तहत दूरसंचार क्षेत्र में 3 गुना तेजी से विकास होगा, जिससे 119 करोड़ उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान इजराइल के बढ़ते तनाव की तुलना स्कूल में लड़ रहे बच्चों से की, जबकि बाइडेन प्रशासन को इसका दोषी ठहराया। ईरान ने इजराइल पर 400 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिसके बाद नेतन्याहू ने ईरान को चेतावनी दी कि उसे इसका भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। 26 आईफोन 16 प्रो मैक्स के साथ पकड़ी गई महिला। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक महिला यात्री को 26 आईफोन 16 प्रो मैक्स के साथ गिरफ्तार किया गया है। फ़ोन की कुल कीमत 37 लाख रुपए बताई जा रही है। महिला ने फ़ोन को वैनिटी बैग में टिश्यू पेपर में लपेटकर छिपाया था। इसकी जांच जारी है। 2025 में होगा बॉलीवुड का सीक्वल सर्कस। साल 2025 में एक से बढ़कर एक मूवी सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इसके साथ ही अगले कई बॉलीवुड मूवीज के सीक्वल आने वाले हैं, जिनका लंबे समय से बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। साल 2025 में फिल्मों के सीक्वल रिलीज होने वाले हैं, वो हैं रेड 2, जॉली LLB 3, दे प्यार दे 2, हाउसफुल 5, वॉर 2, सन ऑफ द सरदार 2 और वेलकम टू द जंगल। विलय के बाद विस्तारा का अनुभव बरकरार। एयर इंडिया ने बताया कि 12 नवंबर को विस्तारा का विलय पूरा होने के बाद इसके विमानों के नंबर AI-2 से शुरू होंगे। विस्तारा की सेवाएं और चालक दल पहले की तरह संचालित रहेंगे। विलय से सिंगापुर एयरलाइंस को 25.1% हिस्सेदारी मिलेगी और एयर इंडिया का एयरलाइन कोड AI रहेगा। BSNL के प्रीपेड प्लान्स में किफ़ायती विकल्प। BSNL ने ₹599 का प्रीपेड प्लान पेश किया है, जिसमें 3GB यानी 3GB डेली डेटा, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और 100 SMS रोजाना मिलते हैं। इसकी वैलिडिटी 84 दिन है। हाल ही में लॉन्च किया गया ₹345 का प्लान 1GB डेली डेटा और 60 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। 4G कवरेज बढ़ने पर ये प्लान और आकर्षक होंगे। महिंद्रा ने 3 अक्टूबर से थार रॉक्स की बुकिंग शुरू करने की घोषणा की है। इसकी डिलीवरी 12 अक्टूबर से शुरू होगी। SUV 2 इंजन विकल्पों के साथ आएगी, जिसमें 2 लीटर और 2.2 लीटर क्षमता वाले इंजन शामिल हैं। थार रॉक्स की एक्स शोरूम कीमत 12.99 लाख रुपए से 20.99 लाख रुपए तक है। इसमें कई उन्नत फीचर्स भी दिए गए हैं। अंतरिक्ष से सूर्योदय का जादुई नज़ारा। सोशल मीडिया पर एक टाइम लैप्स वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अंतरिक्ष से सूर्योदय का खूबसूरत दृश्य दिखाया गया है। नीली आभा और नारंगी रोशनी से सजे इस नज़ारे ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। यूजर्स ने इसे जादुई और सुकून देने वाला बताया है। राम रहीम को पैरोल।
हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को आठवीं बार 20 दिन की पैरोल दी गई है। वह सुनारिया जेल से बागपत आश्रम पहुंचा। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर चिंता जताई कि उसकी मौजूदगी चुनाव को प्रभावित कर सकती है। दक्षिण कोरिया में बुजुर्गों की लग्जरी रिटायरमेंट। दक्षिण कोरिया में बुजुर्ग रिटायरमेंट के बाद शानदार जिंदगी जीते हैं, जहां रिटायरमेंट होम किसी 5 सितारों होटल से कम नहीं है। यहां जिम, पूल, स्पा जैसी सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन हर महीने का किराया 2.5 लाख रुपए तक होता है। बुजुर्ग इसे महंगा नहीं मानते क्योंकि यह सुकून और आराम प्रदान करता है। 2000 रुपए के 98% नोट बैंकों में वापस। 7,117 करोड़ रुपए बाकी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि 2000 रुपए के 98% नोट बैंकों में वापस आ चुके हैं, जबकि 7,117 करोड़ रुपए मूल्य के नोट अभी भी लोगों के पास हैं। 19 मई 2023 को नोटों के चलन से हटाने की घोषणा की गई थी। 2000 रुपए के नोट को बदलने की सुविधा 7 अक्टूबर 2023 तक उपलब्ध थी। जीएसटी संग्रह में वृद्धि के बावजूद मासिक गिरावट। सितंबर 2024 में भारत का जीएसटी संग्रह 1.73 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल से 6.5% अधिक है, लेकिन अगस्त के 1.75 लाख करोड़ रुपए से कम है। घरेलू लेन देन में 5.9% वृद्धि हुई, जबकि रिफंड 31% बढ़कर 20,458 करोड़ रुपये पहुँच गया है। त्योहारों के दौरान बेहतर संग्रह की उम्मीद है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोग में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम हैं धनंजय कुमार, नौशाद रजा, नुन्नू कुमार, अरविंद प्रसाद गुप्ता, रवि मोहन वर्मा, बाबूलाल मरांडी, जुबैर आलम, संजीव कुमार, मोहम्मद शाकिर हुसैन और राकेश मिश्रा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि गांधी जी से जुड़ी कौन सी बात आपको प्रेरणा देती है, आपको अच्छी लगती है। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।